Hello students, I am Ankit Gupta. Today I am here to present you about the charge. What is the meaning of charge? Charge is a physical quantity which is present at every place in our surrounding. मतलब बहुत सिंपल सी बात कि चार्ज हमारे चारों तरफ है, इस पूरी दुनिया में हर जगह पर चार्ज है. ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर चार्ज ना हो. एक छोटी सी क्वांटिटी को अगर अपन लेकर चले, फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी क्या? जो सराउंडिंग में प्रेजेंट है. अगर सराउंडिंग में प्रेजेंट ही नहीं है तो फिजिकल नहीं है. इसका मतलब जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है वो सब फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, और अगर फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं तो उसके पास कुछ ना कुछ चार्ज ज़रूर होगा. क्यों? क्योंकि वो फिजिकल क्वांटिटी किसी एक छोटे एलिमेंट से ज़रूर बनी होगी. दैट एलिमेंट इज़ एटम. उस एलिमेंट का नाम सिंपल सा क्या हो गया? एटम. एटम क्या? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी पार्टिकल. किसी भी पार्टिकल की सबसे छोटी यूनिट एटम है. एटम कहा तो ऐसा जाता है कि एटम सबसे छोटा है, ये किसी से नहीं बना, ये सबसे छोटी चीज़ है, इसके अंदर कुछ नहीं है, इसके अलावा हम इसको और नहीं तोड़ सकते हैं. क्योंकि सबसे छोटी चीज़ का मतलब भी यही होता है कि हम उसको और तोड़ ना सकें. लेकिन तोड़ दिया गया है. डिफाइन नहीं किया आज तक भी कि इसको तोड़ा जा चुका है, लेकिन इसके अंदर आज भी तीन चीज़ों के बारे में बता दिया गया है. मैं उन तीन को ना बोल करके मैं पहले दो चीज़ें बोलता हूँ. एटम को मैंने दो पार्टीशन में ब्रेक किया. एक बोला न्यूक्लियस और एक बोला मैंने इलेक्ट्रॉन. न्यूक्लियस क्या चीज़? न्यूक्लियस एटम के अंदर का सेंटर पार्ट. हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होता है? ह्यूमन बॉडी के अंदर हार्ट और ब्रेन. ये दो चीज़ें हटा दें तो बॉडी काम करना बंद कर देगी. सिमिलरली एटम के अंदर भी ऐसा ही है, उसका ब्रेन, उसका हार्ट. अगर हम उसके हार्ट को या उसके ब्रेन को हटा दें, हटाने का मतलब उसका हार्ट और उसका ब्रेन दोनों एक ही चीज़ है. कौन? उसका न्यूक्लियस. अगर हमने उसके न्यूक्लियस को हटा दिया तो वो काम करना बंद कर देगा. मतलब मैं ये कहूँ कि वो फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल नहीं रहेगी. इसका मतलब उसकी जो एनर्जी सोर्स है, उसका जो पावर सोर्स है, वो कौन है? उसका न्यूक्लियस. उसकी प्रोटेक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं. मजाक की बात है, प्रोटेक्शन किस बात की? फिजिकल क्वांटिटी है. प्रोटेक्शन नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है. प्रोटेक्शन तो ह्यूमन बॉडी को ज़रूरत होती है. तो इलेक्ट्रॉन्स इज ऑल्सो एन एनर्जी सोर्स. वो भी क्या कर रहे हैं? उस एटम के चारों तरफ कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे हैं. अब अगर रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, आप अगर रिवॉल्यूशन को देखेंगे तो रिवॉल्यूशन कुछ इस तरीके का होगा, इलिप्टिकल, जो आपको यहाँ दिखाई देगा. इलिप्टिकल शेप. इलिप्टिकल शेप तो हमें दिख रही है क्योंकि हम देख रहे हैं उसको ऐसे घूमते हुए. लेकिन अगर उसको एग्जैक्टली में देखा जाए, एग्जैक्टली में कहा जाए, तो वो है स्फेरिकल शेप. और हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना अलग पाथ होता है. कोई भी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे का पीछा नहीं करता है. पीछा क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन एक ही वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं. सारे इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर टाइप ऑफ शेल में मूव कर रहे हैं. अगर आप केमिस्ट्री में देखेंगे तो केमिस्ट्री के अंदर आप इसको और डिटेल में स्टडी करते हैं. हम फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स में इतना डिटेल स्टडी है नहीं, तो हम तो एक सिंपल जनरल बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो कंटिन्यूसली मूविंग कंडीशन में है, और न्यूक्लियस जो स्टेशनरी कंडीशन में है. इसका मतलब मैं ये कहूँ कि एटम को एनर्जी प्रोवाइड करने वाली दो चीज़ें हो गई, एक न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन. न्यूक्लियस जो उसका सेंटर पार्ट, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्यूशन करने वाले पार्ट. अगर कोई चीज़ कंटिन्यूसली मूविंग कंडीशन में है तो इसका मतलब उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है. वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी तो होगी ही होगी. इसका मतलब मैं ये कहूँ कि इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी है. सिमिलरली जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस कैसा? स्टेशनरी कंडीशन में. स्टेशनरी, कोई भी चीज़ अगर स्टेशनरी है तो उसको स्टेशनरी कौन रखा हुआ है? उसकी पोटेंशियल एनर्जी. तो इसका मतलब उसके पास हो गई पोटेंशियल एनर्जी. तो यहाँ पर दो एनर्जी हो गई, पोटेंशियल और काइनेटिक. हम जानते हैं, हर जगह हमने सुना है, द एनर्जी इज़ कंजर्व्ड. एनर्जी कभी चेंज नहीं हो सकती, उसका सिर्फ फॉर्म चेंज होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती है, लेकिन टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है. इसलिए कहा जाता है कि एटम एक न्यूट्रल सोर्स है. हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे एटम्स हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर भी. इसका मतलब ह्यूमन बॉडी भी कैसी बनी हुई है? एटम से मिलकर बनी हुई है. बस ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है? सेल. सिमिलरली एक पार्टिकल की स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है? एटम, जिसके अंदर न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स है. अब बात करते हैं न्यूक्लियस के अंदर. न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें, एक प्रोटोन और एक न्यूट्रॉन. आप देखेंगे, आपको उसमें दिख रहा है कि दो चीज़ें हैं आपके पास, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन.
अगर इसके अंदर भी दो चीज़ें आ गई हैं तो इसका मतलब मैं ये कहूँ कि अब हमारे पास एक एटम तीन चीज़ों से मिलकर बना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये सब बातें तो हमने एटम की करी, हमने शुरुआत में बोला कि हम चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर एटम कहाँ से आ गया? एटम के अंदर ही तो चार्ज है। चार्ज एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके ऊपर एक फोर्स एप्लीकेबल होता है, एक फोर्स एब्रिवेट करता है, एक फोर्स अपने ऊपर लगाता है हमेशा। अब वो फोर्सेस जब कहाँ लगते हैं कि हम उसको किसी एक ऐसे फील्ड में रख दें, किसी एक ऐसे पर्टिकुलर एरिया में रख दें जहाँ उस पर वो फोर्स एप्लीकेबल हो रहा हो। तो इसका मतलब हर एक एटम के ऊपर ये फोर्स एप्लीकेबल है, हर एटम के ऊपर। तो ये फोर्स लग किन किन चीज़ों पर रहा है? फिर ये फोर्स लग रहा है उस एटम के अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस के पास नहीं जा सकते और न्यूक्लियस से दूर नहीं जा सकते, क्योंकि वो उसको वहाँ पर बांध के रखा हुआ है दो फोर्सेस से, एक अंदर जो उसको न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा है और एक रिवॉल्यूशनरी फोर्स जिसको हम कहते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स जो बाहर की तरफ लग रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर चार्ज के तीन टाइप्स हो गए, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। पॉजिटिव कौन? प्रोटोन। नेगेटिव कौन? इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रॉन कौन? न्यूट्रल, जिसके पास खुद का कोई चार्ज नहीं है। तो हमारे पास चार्ज तीन टाइप के, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। पॉजिटिव ऑलवेज बी स्टेशनरी, नेगेटिव ऑलवेज बी इन मूविंग कंडीशन, ये फिक्स प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।